मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना के नाम पर लोगों को प्राइवेट लैब ने कैसे गलत रिपोर्ट दिया है। मुमरा के ही रहने वाले खान परिवार के 12 सदस्यों में से 6 सदस्यों को तुरभा में स्थित थायरो केयर लैब ने पॉजिटिव रिपोर्ट बताई है और इनकी रिपोर्ट जब TMC में जाँच की गई तो इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई। मुमरा के रहने वाले ये खान परिवार के एक सदस्य की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसके बाद इन लोगों ने कोरोना टेस्ट थायरो केयर लैब में कराया था, जिसमें 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव बताई गई और 6 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई। इनका ये भी कहना है कि रिपोर्ट इनके हाथ में नहीं दिया गया था। 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में भी इन्हें भेज दिया गया, मगर जब ठाणे महानगर पालिका में इसकी जाँच कराई गई तो थायरो केयर लैब में जो 6 लोगों को पॉजिटिव पाया गया था, मनपा ने जब उनकी रिपोर्ट जांच की तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मनपा इस थायरो केयर लैब को रिपोर्ट गलत देने के मामले में लैब को सैंपल लेने से अब मना कर दिया है। परिवार के लोगों ने लैब पर बड़ा रैकेट चलाने का भी आरोप लगाया है और गलत रिपोर्ट देने की वजह से इन लोगों को 10 दिन अस्पताल में भी रहना पड़ा। सुनिए क्या कहा है मुमरा में रहने वाला ये खान परिवार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम जावेद खान है, मैं मुमरा का रहवासी हूँ। थायरो कैप तुरभा में जो लैब है वो उधर का था और वो मेरे को तो लगता है पूरी साजिश हो रही है। इसमें म्यूनसिपाल्टी और ये जो है ना लैब वाले दोनों मिले हुए 6 पॉजिटिव करना, 6 नेगेटिव करना। हालांकि हमको ना कुछ सिम्टम्स है, ना कुछ है, ना खांसी, ना सर्दी, ना बुखार, ऐसा भी तो नॉर्मल टाइम होता है, लेकिन ये बीमारी तो हमको कुछ भी नहीं थी, फिर भी ज़बरदस्ती लेके गया कोरोना। क्या लगता है आगे ऐसे लोगों के क्या ये सब गलत है, गलत काम कर रहे हैं लोग सब। और हम तो करा लिया, हमारा मेहनत का पैसा था, हम लोग 3 भाई थे, फुगड़ में हमारा 36,000 रुपये लिया। ऐसे लॉकडाउन के अंदर 3 महीना हम लोग तो पहले परेशानी में निकाले, ऊपर से हमारे बाप का इंतकाल हो गया, ऊपर से हम खुद पूरा घर परेशान है, ऊपर से हमारे से 36,000 रुपये लिए इन लोगों ने और रिपोर्ट भी नहीं हमारे हाथ में दिया और 6 जन को पॉजिटिव बताया और क्वारंटाइन के लिए लेके गया। अभी तक हमारे को ना कुछ सिम्टम्स है ना कुछ। हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए गए थे कि हम लोग अगर इन लोग बोल रहे हैं कि डैडी की पॉजिटिव थी तो हम लोग ऐसा सकता है कि हम लोग भी करा ले एक बार, दिल्ली को तसल्ली हो जाए। बाद में हम लोग बोल रहे थे, हम लोग ने 12 जन का टेस्ट करा, 36,000 रुपये दिए, 6 जन का पॉजिटिव है, 6 जन का नेगेटिव है। और हम लोग ने पूछा इन लोगों की ये भाई के बच्चे लोग इसके गोद में खेलते रहते थे, इन लोगों का नेगेटिव है, हम लोग का पॉजिटिव है, तो उन लोग बोलते कि ना गॉड गिफ्ट है। ऐसा सर को गॉड गिफ्ट रहता है क्या? गरज नसताना रुग्णालयामध्ये दाखल करून घेणं आणि त्यांना 7 दिवसांपेक्षा जास्त काळ रुग्णालयामध्ये ठेवलं, या कारणासाठी ठाणे महापालिकेने शहरातील 2 खाजगी रुग्णालयांना नोटीस पाठवली आहे। ही नोटीस दंडाची नोटीस असून जवळपास 16 लाखापर्यंत दंड वसूल करण्यासंदर्भातली नोटीस देण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये 2 खाजगी रुग्णालयांचा समावेश आहे। एका रुग्णाने 3 रुग्णांना कारण नसताना ऍडमिट करून घेतलं आणि त्यांना 7 दिवसांपेक्षा जास्त काळ रुग्णालयात ठेवलं, तर दुसऱ्या एका खाजगी रुग्णालयाने 13 रुग्णांना कारण नसताना रुग्णालयामध्ये दाखल करून घेतलं आणि त्यांना 7 दिवसांपेक्षा जास्त काळ रुग्णालयामध्ये ठेवलं। या कारणास्तव दोन्ही रुग्णालयांना दंडाची नोटीस दिलेली आहे। आज या दोन्ही रुग्णालयांना आपण तत्काळ दंडाची रक्कम भरण्यासंदर्भातली नोटीस ही दिलेली आहे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।